चल रही है, ये मेरे मोहब्बत के जज्बात भी मचल रहे हैं, मन आंदोलित हो रहा है,
ये सारी इंद्रियां मेरे काबू में नहीं रही, सब में प्रतिस्पर्धा हो गई, एक होड़ सी लग गई है, सब तुम्हें ही पहले पाना चाहती है और तुम्ही में ऐसा रमना चाहती है कि कहीं और ना जाता। दिल ये कहता है, दिल ये कहता है तसव्वुर को न घटने दो कभी। दिल क्या कहता है कि बस अब उन्हीं के ख्यालों में ऐसा डूब जाऊं कि कोई मुझे होश सुध बुध ही ना रहे। लेकिन आंख कहती, अरे बावले दिल, तुझ तक तो वो पीछे पहुंच पाएंगे जब तक वो मेरे अंदर से नहीं गुजरेंगे, यानी नजरों के माध्यम से जब तक तेरे पास नहीं पहुंचेंगे तब तक तू कैसे अपने होशो आवाज को बैठेगा। इसलिए पहले तो मुझे पाना है शाम को, नजरों के बाद ही तो तेरे तक यानी दिल तक पहुंचेंगे। दिल ये कहता तो सब न घटने दो कभी, आंख कहती है कि दीदार सनम हो, आंख कहती है कि दीदार सनम हो। और मचल रही है जुबां तर्ज बयानी के लिए, आज जुबान भी मचल रही है कि तेरे नाम का गुणगान करते करते अगाऊं ही नहीं। मचल रही है जुबान तर्ज बयानी के लिए, लेकिन वही बात फिर ये होश आ जाते हैं, ये कहते हैं अरे बावली तू कब तक गाए जाएगी, इसलिए पहले हमें आगे रहने दे, हमारे पीछे ही तू रही हो। मचल रही है जुबां तर्ज बयानी के लिए, होश कहता है कि अब मुझ में भी दम हो रे रो, होश कहता है कि अब मुझ में भी दम होने दो। यदि मैं बेहोश हो गया तो तू गुणगान किसका करेगी, इसलिए मैं बेहोश नहीं मदहोश होना चाहता हूँ। और जब मदहोशी के हालत में तू कुछ कहेगी तो मेरी भी बात बनेगी और तेरे अंदर भी एक नई स्फूर्णा पैदा होगी। मचल रही है जुबां तर्ज बयानी के लिए, होश कहता है कि अब मुझ में भी दम हो। होश कहता है कि अब मुझ में भी दम हो रे दो। बिंदु ये कहते हैं हट जाओ सभी, तर बतर हम से जरा उनके चरण हो रे,
तर बतर हम से जरा उनके चरण हो लगन श्याम से यू लगाया करे हम लगन श्याम से यू लगाया करे हम मजे दर्द दिल के उठाया करे हम मजे दर्द दिल के उठाया करे हम न ये लुत्फ कम हो कभी जिंदगी भर न ये लुत्फ कम हो कभी जिंदगी भर वो रूठा करे और मनाया करे हम वो रूठा करे और मनाया करे हम रूठना और मनाना कब होता है जब वो सामने हो और वो कहते हैं कि उनके मनाने में पाई जो लज्जत उनके मनाने में पाई जो लज्जत वे बार बार रूठे ये जी चाहता है वे बार बार रूठे ये जी चाहता है जब कोई प्रेमी अपनी प्रेसी को मनाता है या प्रेसी प्रेमी को मनाती है तो कैसे उसके निहोरे खाते हैं कभी उसकी छुट्टी पे हाथ रखती है मान भी जाओ कभी अपनी तरफ आकर्षित करती है ऐसी ऐसी चेष्टाएं सब तरह की बातें उसमें हो जाती है इसलिए प्यारे न कभी लुत्फ कम हो कभी जिंदगी भर वे रूठा करे और मनाया करे हम चूहे उनके तीरे नजर जब जिगर में चूहे उनके तीरे नजर जब जिगर में वे ढूंढा करे और छिपाया करे हम वे ढूंढा करे और छिपाया करे हम प्रेम में दोनों बात होती है मिन्नतें भी होती हैं और उपालम यानी उलाहने भी होते हैं कहते तो हैं कि तुम देखो देखो जब वो देखते हैं तो क्या है उनकी आंखें हैं क्या तीर ही तो हैं वो दिल में ऐसे चुपते हैं तब हा हा करके उठते हैं वो कहते हैं अगर तुम घायल हो गए दर्द हो रहा तो ला मैं अपने तीर वापस ले लेता हूं निकाल लेता हूं तुम्हारे दिल से लेकिन वही बात हा हा भी करते हैं
और जब वो तीर निकालने की बात करते तो उन तीरों को छुपा लेते हैं कि कहीं इन्होंने वापस निकाल लिया तो मैं तो गया काम कर, ये फिर दिल न जाने कहां कहां भटकता फिरेगा, ये तीर चुभे ही रहे। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत तो खूब करते हो पर सजा भी खूब देते हो, मोहब्बत तो खूब करते हो सजा भी खूब देते हो कि जैसे बादामों के शरबत में मिर्च काली मिला दी है, बादामों के शरबत में मिर्च काली मिला दी है। ठंडाई में थोड़ी सी भी काली मिर्च ज्यादा डल जाए, ठंडाई का अपना मजा है, पीता भी रहता है और पीने वाला सीसी भी करता रहता है क्योंकि काली मिर्च लड़ती है लेकिन ठंडाई छोड़ता नहीं। वो सीसी भी कर रहा है और उसका मजा भी ले रहा है। इसी तरह प्यारे यदि तेरे तीरों नजरों के तीर के नजरों से मैं घायल हूं, मैं हां हां तो करूंगी लेकिन उसका कितना मजा है ये मैं ही जानती हूं। क्यों? तेरे अपने तीर तो तुझको लगते नहीं और किसी नजरों के तीर से तुम घायल होते नहीं, तो तुम क्या जानो इसका मजा। हे गोविंद हे गोपाल, चुभे उनके तीरे नजर जब जिगर में, वो ढूंढा करे और छिपाया करे हम, वो ढूंढा करे और छिपाया करे हम, ये अरमान दिल की हजारों ही शक्लें, ये अरमान दिल की हजारों ही शक्लें, मिटाया करे और बनाया करे हम, मिटाया करे और बनाया करे अरमान दिल की हजारों ही शक्लें। दिल में न जाने कितने तरह के भाव उमड़ते हैं, कोई एक भाव उमड़ा तुम उसकी पूर्ति कर दे, उसे पूरा कर दो तो प्यारे मैं वही संतुष्ट नहीं होऊंगा, फिर मेरे दूसरे भाव उमड़ेंगे, फिर तुम आओगे, फिर तीसरे, फिर तुम आओगे। इस तरह से जितनी बार तुम मेरे भावों की पूर्ति करो उससे कहीं 10 गुना फिर ये भाव मेरे दिल में उमड़ने लगे और ये तुम्हारे आने और जाने का क्रम लगा रहे। मैं अपने भावों का विग्रह बनाऊं, तुम उसमें फिर आओ फिर जाओ, यही तो मैं चाहता हूं कि मेरे अरमान खत्म ही ना हो। ये अरमान दिल की हजारों ही शक्लें, मिटाया करें और बनाया करें हम, मिटाया करें और बनाया करें हम, मिटाया करें और बनाया करें हम, लगन शाम से यो लगाया करें हम, शाम से यूं लगाया करे हम, लगन शाम से यूं लगाया करे हम, लगन शाम से यूं लगाया करे हम, मजे दर्द दिल के उठाया 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 मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, प्यारे श्याम, जय जय।
गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद गोविंद हे गोविंद हे गोविंद सब दिया ही नहीं। बोले मैं तेरे ही अंदर हूं। मैंने कहा कैसे मिलोगे? तो तुमने कहा जब जी चाहूंगा प्रकट हो जाऊंगा। प्रभु तुम ही प्रकट हुए हो, इसका मुझे पता कैसे चलेगा? क्यों, कभी तुम्हारी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई? उन्होंने कहा मैं ही जता दूंगा कि ये मैं हूं। वैसे भी जाने सोई
जिन देहू जनाई। ये काम भी मेरा है, जता भी मैं दूंगा, जना भी मैं दूंगा और प्रगट भी मैं स्वयं ही होऊंगा। तो मुझे क्या करना है? बोला बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो। अच्छा वो कैसे हुआ जाता है? कैसे हुआ जाए अंतर? बोले मुझे इतना जानने की जरूरत नहीं जितना अपना मानने की जरूरत है, और अपना भी इतना इतना अधिक मान। कि फिर तुझे बाह्य प्रक्रियाओं की भी आवश्यकता ना रहे। क्या कर तेरी याद दिल में किया करूं, तुझे धन्यवाद दिया करूं। हम चूकते कहां हैं? जीवन में कोई विषम परिस्थितियां आती हैं, संघर्ष के क्षण आते हैं या हमारे मन के विपरीत हो जाता है। हम ईश्वर को ही दोषी ठहराते हैं कि मेरे साथ ही ये सब ऐसा क्यों होता है। अरे भाई जैसे कर्म किए थे वही हम भोग रहे हैं। हम क्या करते हैं? नेगेटिव ईश्वर की ओर थोप देते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो बेचारा कहाँ कर रहा है। यदि हम सूक्ष्मता से गौर करके देखें तो हमें प्रत्येक विषम परिस्थितियों से संघर्ष के क्षणों में वो ही बचा रहा है। तभी तो हम जी रहे हैं। इस बात को समझ लें तो क्या होगा, उसकी कृपा का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और कोई व्यक्ति कोई जीव ऐसा नहीं जिसके जीवन में उसने कभी न कभी अपनी कृपा का अनुभव ना कराया। जब ये एहसास उसकी कृपा का एहसास अनुभव में बदलने लगता है तो मानने में और प्रगाढ़ता आ जाती है, और यही प्रगाढ़ता अपनेपन में इतना रत कर देती है कि फिर किसी भी स्थिति में तुम मुझे याद भी आ रहे हो, मुझे बचा भी रहे हो, मुझे रस भी प्रदान कर रहे हो। तेरी याद दिल में किया करो, तुझे धन्यवाद दिया करो, और तेरा मतलब नाम लिया करो, तेरा मतलब नाम लिया करो। ये रकम न मुझ पर उधार हो, तेरा नकद नाम लिया करो, ये रकम न मुझ पे उधार हो। तेरे द्वार पर मैं पड़ा रहूं, तेरे द्वार पर मैं पड़ा रहूं। बात बहिरंगताओं की नहीं है, क्षमा करना। हम जब ये बाहरी प्रक्रियाओं में सीख शुरू कर देते हैं परिणाम क्या होता है? परिवार वालों से दूर होते जाते हैं, हमसे हमारे ही जन खफा होने लगते हैं। बात सब अंतरंगताओं की है। तेरे द्वार पर मैं पड़ा रहूं, कदमों पे तेरे अड़ा रहूं, तेरे द्वार पर मैं पड़ा रहूं,
तुझे धन्यवाद दिया करूं, तुझे धन्यवाद दिया करूं, तेरी कृपा का एहसास रहे, तेरी कृपा का एहसास रहे, मेरे ध्यान में तू धंसा रहे, धंसा रहे जैसे कीचड़ में, वो कौन सी कीचड़ होती है ना नदी के किनारे, जिसमें अगर एक बार भी गलती से पैर पड़ जाए निकलना बहुत मुश्किल है, कोई अनुभवी आदमी ही आकर निकाल सकता है, अन्यथा तो पूरा ही पूरा उसमें समा जाता है। यारे तुम भी मेरे ध्यान में आओ मत, धसे रहो, आना जाना ठीक है लेकिन मेरे ध्यान में तू धंसा रहे, राग रंग में तू ही बसा रहे, राग रंग में तू बसा रहे, अनुराग का वो नशा रहे, अनुराग का वो नशा रहे, दिन रात का ना शुमार हो, दिन रात का ना शुमार हो, चले पर तन से जो डूब कर, चले पर तन से जो डूब कर, तो एहसान तो ये एहसान तू मुझ पे खूब कर, तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर, तेरे प्रेम सिंधु में डूब कर, भव सिंधु बिंदु पार हो, भव बिंदु सिंधु पार हो, घनश्याम तुमसे ये आज है, कुछ ऐसा मेरा सुधार हो, इस दिल में तेरी तन, इस मन इस तन में तेरी तलाश हो, इस मन में तेरा प्यार हो, इस मन में तेरा प्यार हो, इस मन में तेरा प्यार,